से पढ़ेंगे हमारा परिवेश का पहला चैप्टर हमारा परिवार, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे? तो हमारा परिवार पढ़ेंगे, तो उसको पूरे क्वेश्चन आंसर सहित हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कुछ कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो एक चीज़ देखो कि सब बच्चे अपनी किताब में देखें, उसमें चित्र दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। तो सब बच्चे देखो अपनी अपनी किताबों में चित्र दिखाई दे रहा है सबको। तो इस चित्र में सबको ये पूछना है कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। सब बच्चे अपनी किताब में देखो, कॉपी में देखें, दिखाई दे रहा है सबको। तो ठीक है ना, आप वन बाई वन करके सबसे पूछेंगे कि क्या क्या चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो हिमांशु खड़े हो जाओ, किताब उठा लो बेटा। अरे चित्र में देख देख के ये बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है, बोलो। पापा मम्मी खटिया दादा दादी भाई बहन। और कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? घर और पेड़ पौधे। चलो बैठ जाओ बेटा। तो बिक्की बेटा तुम खड़े हो जाओ। अब इसमें आपको देख के ये बताना है कि आपको क्या क्या चित्र में दिखाई दे रहा है, बताओ। घर। जोर से बोलो। घर, खटिया, चटाई, बाल्टी, खटिया। ज्यादा से ज्यादा देख के बताओ। पापा मम्मी भाई बहन। चलो बेटा बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। पाकन तो बेटा खड़ी हो, तुम बताओ, तुम ही बताओ बेटा। अब चित्र में देख के ये बताओ कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है, मतलब क्या क्या चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। मम्मी पापा दादा दादी भाई मोनू घर और सजीव खटिया। घर, खटिया, बाल्टी, सजी दिया, पेड़ पौधे। बाद बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाओ। हाँ बेटा तुम खड़ी हो जाओ, तुम बोलो। जितने भी चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं सारी चीज़ें बताओ देख के फटाफट, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। सजी, खटिया, बाल्टी, जोर से, चरपाई, चटाई, पौधे, बाल्टी, नल भी तो बेटा, दादा दादी माँ पापा और भाई मोनू। चलो ठीक है बेटा, बैठ जाओ। हाँ बेटा अब तुम बताओ। घर, पेड़ पौधे, दादी दादा, मम्मी पापा, भाई बहन, दिया और बादल और नल और गली और टटपट्टी और सरजी खटिया और सरजी बाल्टी, सरजी अलमारी और बहुत अच्छा बेटा बताओ। सरजी फूल, बादल, सर जी बादल और पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज दिखाई दे रही है, मतलब जो हमारा परिवेश है, जो चीज हम आसपास अपने घरों में देखते हैं वही तो दिखाई दे रही है ना। तो बैठ जाओ बेटा, अब इसकी तालियां बजा, सब बच्चे सबसे अच्छा बताया इन्होंने, ठीक है ना बेटा। तो बेटा हम अपना पार्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पढ़ो बेटा जल्दी से। ये परिवार जो था वो किसका है? ये मधु का परिवार है। किसका परिवार है? मधु के। जो अभी चित्र में आप देख के बता रहे थे वो किसका परिवार है? मधु के। किसका परिवार है? मधु के। अच्छा मधु का कौन कौन है? दादा हैं, दादी हैं, माँ, पापा और भाई का नाम क्या है? मधु। क्या नाम है? मधु। क्या नाम बेटा? ठीक है। अब इसके बाद में अपना ये क्वेश्चन जो आता है वो है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और उनके नाम यहाँ लिखें। मतलब कि अब अपने परिवार की बात करेंगे तो आपके परिवार में कौन कौन व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक बच्चे से पूछेंगे वन बाई वन करके और प्रत्येक बच्चा उसका आंसर देगा, ठीक है बेटा। तो बताओगे ना? ठीक है। तो अच्छा, तो अब तुम्हारे परिवार में जैसे मधु के परिवार में सदस्य थे, अब तुम्हारे परिवार में सदस्य है ना, तो कौन कौन सदस्य बताओ।
तो बताओ बोलो तुम। पापा मम्मी चाचा चाची भाई बहन दादा जो आपके परिवार है वो बतानी है ठीक है। बहुत बढ़िया बैठ जाओ। हाँ बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मम्मी पापा भैया दीदी चाचा चाची। नाम सबको पता है ना तुम्हें और उन नामों को लिख सकते हो तो अपनी कॉपी में सब बच्चों को अपने क्या करने हैं नाम लिखने अपने बच्चों को ठीक है बेटा। तो सब बच्चों को क्या करने खाली स्थान दे रखा है किताब के अंदर उसमें सब बच्चे अपने परिवार में नाम लिखेंगे उनके और लिख लो फटाफट जल्द सब बच्चे नोट डाउन करें एकदम। थोड़ी देर बात करके सुरेश चाचा घर चले गए। झोले से पेन निकाल कर मनु को दे दिए। शक्कर नमक और तेल कर मनु ने रसोई में देखो अब बात करते हैं हम मधु के दादाजी के बारे में ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ है क्योंकि पाठ में क्या है मधु का करैक्टर दिया है अब ऐसे ही हमारे घर से भी दादा दादी सब लोग जाते हैं ना बोलो बेटा फिर जाते हैं ना तो क्या है मधु के दादाजी क्या गए मार्केट को गए मतलब बाजार गए ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बाजार से शक्कर खरीदा नमक खरीदा और क्या खरीदा सरसों का ये क्या घर के सामान खरीदे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया मोनू के लिए एक पेन खरीदा और मधु के लिए पेंसिल क्या खरीदा पेंसिल बॉक्स खरीदा ठीक है। और उनकी दादी जी तबीयत खराब थी बीमार थी तो उनके लिए क्या खरीदे दवा कहाँ मिलती है मेडिकल कहाँ मिलती है ठीक है मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी और उसको मोनू को देकर कहाँ भेज दिया घर भेज दिया। तो दादाजी क्या करते हैं मतलब पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं ठीक है क्या रखते हैं बेटा ध्यान रखते हैं तो पूरे परिवार का इसलिए वो क्या हो गए परिवार के मधु के परिवार के मुखिया हो गए क्या हो गए मुखिया। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि तुम्हारे घर का मुखिया कौन है और क्यों है ठीक है क्योंकि तो सबके घर में कोई ना कोई मुखिया रहता है ना। हाँ अब उसके बाद में आगे देखते हैं जैसे कि बाजार से लौटकर दादाजी मधु के पास पहुँचे ठीक है। तो मधु क्या कर रही थी घर की साफ सफाई कर रही थी घर के पड़ोस के सुरेश चाचा थे तो वो उनको प्रणाम किया मधु ने। तो बहुत सारे हमारे जो काम होते हैं तो हम घर में मिलजुल करते हैं ना जैसे दीपावली होली वगैरह पर साफ सफाई करनी है या कोई मतलब जो मतलब काम होते हैं जितने भी जो हम एक दूसरे की हेल्प की सहायता से करते हैं वो करते हैं ना तो वो चीज़ होती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पाठ हम अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में अपने क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे ठीक है। ओके बेटा आगे पढ़ते हैं फिर हैं क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है बेटा और सब बच्चों हो गए ना। तो पहला क्वेश्चन है मधु के घर में केवल उसके माता पिता हैं क्या सही है। सेकंड क्वेश्चन मधु और मोनू घर के कामों में हाथ बटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन परिवार हमारी पहली पाठशाला है। फिर मोनू और मधु पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दादाजी परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखते हैं क्योंकि रखते हैं वो तो ध्यान ठीक है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया। तो ये सब क्वेश्चन करके लाएंगे घर से सब बच्चों के नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कल चेक होंगे ठीक है सबको काम करके लाने हैं ठीक है बेटा।